यार भाई बहुत भूख लग रही है यार, कुछ कर यार। यार रुक जा, जेब में कल की चीनी पड़ी होगी थोड़ी। हाँ अभी तो ये खा ले। इससे क्या होगा यार? मैं भाई कल इसकी बारी थी खाना लाने की, माँ ये बस सोता रहा पूरे दिन। भाई परसों में गया था, एक आदमी नंगी रख दी मैं घूम के गया, फिर उसने नंगी रख दी मैं घूम के गया, फिर उसने नंगी रख दी मैं घूम के गया। भाई कल थक गया था पूरा। भाई इसके बहाने खत्म नहीं होते। एक काम करते हैं, पुगम करते हैं, जो लग निकला वो लेकर आएगा। ठीक है, जा 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 भाई तेरी आई। चल जा बे। यार कुछ खाने को नहीं मिल रहा। बिस्कुट, अभी अपने दोस्तों को बताता हूँ, खुश हो जाएंगे। अरे ये बिस्कुट किसने रख दिया यहाँ? क्या हुआ क्या हुआ? भाई मैंने उधर इतना बड़ा बिस्कुट देगा, तीनों का पेट भर जाएगा। अबे यही तो था, कहाँ गया? साले तुम्हें चीटिया बना रहा है। रानी चीटी की कसम, मैंने यही देखा था। ये साला है ही पनौती। भाई बढ़िया जगह मिल गई ना किचन के सामने हमको। हम आलसियों के लिए बेस्ट लोकेशन है भाई ये। हल्दी हल्दी। अरे ये तो गुंडा लोग है, भागो रे बाबा। लाल है पूरी चीटी, लाल है भाई। ये मेरा माल है भाई, लाल चीटी बहुत अच्छा काटती है, इसे तो मैं ही कटवाऊंगा। रुक जा, उसी से पूछ लेते हैं। अबे ओ, तुझे पता है मेरा बंदा कौन है? कॉकरोच है, तुझे उठा के फेंक देगा एकदम से। बे यार ये तो इंटरकास्ट वाली निकली, हमारे तो गोत्र भी मिल रहे थे। चीटी ने चीट कर दिया। भाई बता, चीटी ने हाथी के कान में ऐसा क्या कहा कि वो मर गया? क्या कहा? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब ये बताओ, चींटियों को कोई बीमारी क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडी है। अबे सर्दियां आने वाली हैं, खाना जमा कर लो। मैं जा अपना काम करना। सोने दे हमको, हमारी सर्दियां तो पहले ही आ चुकी हैं।